जब से हम इंसानों ने इस धरती पर जन्म लिया, हमें उपहार में प्रकृति के रिसोर्सेज मिले, और जैसे जैसे हमें अक्ल आई और क्रिएटिव हुए, हम कुछ ना कुछ इन्वेंशंस कर ही रहे हैं। जी हाँ, आज आपके और मेरे आसपास जो कुछ भी है उनमें से मोस्टली इन्वेंशंस ही हैं, जिन्हें पास्ट में किसी ने किया था, और आज हम इन चीजों में इतना रम गए हैं कि हम उन्हें एक इन्वेंशन के तौर पर देखते ही नहीं है। जरा सोचिए उन वर्ड्स के बारे में जो छोटे छोटे अल्फाबेट से मिलकर बने हैं और कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, और उन्हीं वर्ड्स को लिखकर एक्सप्लेन करने वाले इंक और पेपर को ही ले लीजिए। जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, या फिर वो चेयर ही ले लीजिए जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये सब इन्वेंशन ही तो हैं। जी हाँ, इन सभी के पीछे एक इंसान का दिमाग और मन है। इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को नया आकार देकर पूरी पृथ्वी के जीवन को ही बदल दिया। वेल, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो बिना देरी किए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहिया, व्हील यानी कि पहिया, इंजीनियरिंग का मोस्ट फेमस इन्वेंशन है। इंसानों के ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को बदल दिया। बेसिकली इसने न केवल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर पाना इजी किया, बल्कि और दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी जन्म दिया। हालांकि व्हील के इन्वेंशन की जगह और टाइम के बारे में क्लियरली कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को इस इन्वेंशन का श्रेय दिया जाता है। कील, हमारी दुनिया को बदलने में नेल्स यानी कि कील के आविष्कार का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्रांति लाकर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, आर्ट और डिजाइन जैसे फील्ड में बहुत बड़ी हेल्प की। कंपास, कंपास ने इंसानों को समुद्र में नेविगेट करने और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने में बहुत बड़ी हेल्प की। आग, प्राचीन काल में हुई आग की खोज ने इंसानी सभ्यता पर बहुत ही गहरा असर डाला। इसने इंसानों के जीने, काम करने और पर्यावरण के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। आग ने इंसानों को बहुत से और अलग अलग तरह के चुनौतीपूर्ण वातावरण में जिंदा रहने और फलने फूलने में बहुत मदद की। और इतना ही नहीं, ये इंसानी सभ्यता की संस्कृति और समाज के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी अंग भी बन गई। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन इंसानी इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, जिसने इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में एक क्रांति ला दी और लोकोमोटिव और जहाजों के डेवलपमेंट को आसान कर दिया। लाइट बल्ब, 1879 में थॉमस एडिसन के द्वारा इन्वेंट किया गया लाइट बल्ब के आविष्कार ने हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल दिया। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के इन्वेंशन से हमारी दुनिया पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से हमारे जीने, काम करने और कम्युनिकेट करने के तरीके में बदलाव आया। इसकी हेल्प से न्यू टेक्नोलॉजीज को इजाद किया गया और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, और टाइम, प्लेस और डिस्टेंस को लेकर हमारे सोचने का तरीका बदल गया। बोट्स, बोट्स ने इंसानी जीवन को बहुत से तरीकों से बदला और एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। एयरप्लेन, एयरप्लेन के इन्वेंशन का क्रेडिट राइट ब्रदर्स और विल्बर राइट को जाता है। इन्होंने 1903 में दुनिया के पहले सफल हवाई जहाज का डिजाइन, निर्माण किया और उसमें उड़ान भरी थी। राइट ब्रदर्स की इस अचीवमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में क्रांति ला दी। पेनिसिलिन, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया था। फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की इस खोज ने मेडिकल फील्ड में एक नए युग की शुरुआत की थी। पेनिसिलिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकता है, जिनमें से कुछ तो निमोनिया, मेनिनजाइटिस और सेप्सिस जैसे खतरनाक इन्फेक्शन के जिम्मेदार होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का विकास होना इंसानों के लिए एक बड़ी सफलता थी, जिसने महिलाओं को उनके च्वाइसेस पर कंट्रोल करके दुनिया को बदल दिया। 1950 में सबसे पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के इन्वेंशन का क्रेडिट डॉक्टर ग्रेगरी पिंसस और उनकी टीम के एक सहयोगी को जाता है। प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा इन्वेंट किए गए प्रिंटिंग प्रेस ने इन्फॉर्मेशन को शेयर और डिसेमिनेट करने के तरीके में क्रांति ला दी। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बॉर्डिन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले ने किया था। ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई, क्योंकि इसने कई सालों के उपयोग में चले आ रहे भारी वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। ये इन वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा इफिशियंट और ज्यादा रिलायबल था, जिसकी वजह से छोटे और कम बिजली खर्च करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाना आसान हो गया। टेलीविजन, फिलो फार्न्सवर्थ के द्वारा इन्वेंट किए गए टेलीविजन ने पूरी दुनिया को हमारे घरों में ला दिया। इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को पाने के तरीके को बदल के रख दिया। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन के इन्वेंशन ने हमारे फूड को स्टोर और प्रिजर्व करने के तरीके को बदल दिया। एक्सरे मशीन, 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉइंटन के द्वारा इन्वेंट की गई एक्सरे मशीन ने डॉक्टर्स को इंसानी शरीर के अंदर देख पाना मुमकिन करके मेडिकल फील्ड में क्रांति ला दी। कैमरा,
कैमरे के इन्वेंशन ने यादगार पलों को इमेज के रूप में कैप्चर करने और शेयर करने को मुमकिन कर दिया। टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट किए गए टेलीफोन ने हम इंसानों को दूर दराज बैठे अपनों से कम्युनिकेशन करने और दूर रहकर भी उनसे हर पल जुड़े रहना संभव किया और बहुत से दूसरे फील्ड्स में भी क्रांति ला दी। ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल ने ट्रांसपोर्टेशन को तेज और ज्यादा इजी बना दिया है, जिससे हमें ट्रैवल और बिजनेस करना आसान हुआ। कंप्यूटर। कंप्यूटर के इन्वेंशन से हमारी पूरी दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसने हमारे लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को इजी, इफिशियंट और एंजॉयबल बना दिया और आज हर फील्ड में इसका यूज किया जा रहा है। इसने हमारे काम करने और कम्युनिकेशन करने को बदल दिया। आईसी चिप्स। जैक किल्बी के द्वारा इन्वेंट की गई आईसी चिप्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इंटरनेट। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा और पूरी तरह से हमारे कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन और बिजनेस करने को बदल दिया और आज बहुत सी जानकारियों को घर बैठे बैठे ही इजीली एक्सेसिबल कर दिया। ईमेल। ईमेल के इन्वेंशन ने हमारे कम्युनिकेशन करने और बिजनेस करने के तरीके को बदल दिया। जीपीएस। जीपीएस के इन्वेंशन ने हमारे नेविगेट करने और ट्रैवल करने के तरीके को बदल दिया। एलईडी लाइट। एलईडी लाइटिंग के इन्वेंशन ने हमारे घरों और बिजनेस को रोशन करने के तरीके को बदलकर एनर्जी कंजम्पशन को कम किया और पैसे की बचत की। सोलर पैनल। सोलर पैनल्स के इन्वेंशन से क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल हुआ। एटीएम। एटीएम के इन्वेंशन ने हमारी फाइनेंस तक पहुंच और मैनेजमेंट के तरीके को बदल दिया। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के इन्वेंशन ने हमारी खरीदारी और व्यापार करने के तरीके को बदल दिया, जिससे वस्तुओं और सेवाओं को ऑनलाइन खरीदना और बेचना संभव हो गया। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इन्वेंशन ने हमारे कम्युनिकेशन करने और एक दूसरे से कनेक्ट होने के तरीके को बदल दिया, जिससे हमें ग्लोबल लेवल पर जानकारी और थॉट्स को शेयर करने की सुविधा मिली। रोबोट। रोबोट के इन्वेंशन ने मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन जैसे फील्ड में टास्क को बहुत ज़्यादा ईजी और इफ़िशियंट कर दिया और एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल अदा किया। 3D प्रिंटिंग। यह मैन्युफैक्चरिंग के तरीके को बदल रहा है और इसकी हेल्प से डिमांड होने पर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाना आसान हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।